वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPBCL में JEE की वैकेंसीज आ चुकी है, लेकिन TG2 की भर्ती अभी तक नहीं आई है। छात्रों को उसका बहुत लंबे समय से इंतजार है और 4102 टेक्नीशियन लाइन की वैकेंसीज आके रद्द हो गई, जिसके कारण ITI किए हुए छात्र परेशान हैं, क्योंकि उसके बाद JEE और AE की वैकेंसीज भी आ गई, लेकिन अभी भी TG2 की वैकेंसीज का कोई भी पता नहीं है। तो अगर आपने किया है ITI इलेक्ट्रिशियन से और आप कर रहे हैं TG2 की वैकेंसीज का इंतज़ार, या फिर आप कर रहे हैं TG2 की तैयारी, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसको सुन करके आप बहुत खुश हो जाएंगे, और आपको ये वीडियो लाइक ज़रूर करना होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कोई भी जानकारी जल्दी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा UPBCL के एक लेटर के बारे में जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने दिया है। तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ है और उस लेटर में क्या ऐसी चीज़ है जिसको सुनकर के आपको खुशी होने वाली है, तो ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस लेटर में लिखे हुए कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे, या आपने वो लेटर में जो पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, वो आप नहीं पढ़ समझिएगा, तो आप लोग के लिए ये वीडियो देखना एकदम ही फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा और इसको अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करिएगा। आप में से अधिकतर छात्र UPBCL में TG2 की तैयारी कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप UPBCL की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लखनऊ आ सकते हैं। आज से हम लोग के यहाँ TG2 का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप TG2 में तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करें और 3 महीने में अपना फुल सिलेबस कम्प्लीट कराएँ। उसके अलावा अगर आप लखनऊ नहीं आ सकते तो आप इलेक्ट्रिकल विजन द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और अपने व्हाट्सएप करके अपने एड्रेस पर अपना स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख करके आ रहा है। ये लेटर है UPBCL में ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर यानी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिख सकता है, ये लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और ये है वहाँ की मोहर, और उसके नीचे लिखा हुआ है पत्रांक संख्या, वो है आपकी 2909 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड /May/H/Vivid। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो है विषय, विषय में आप देख सकते हैं लिखा है दिनांक 30/6/2019 की स्थिति के अनुसार टेक्नीशियन विद्युत की सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों की श्रेणीवार सूचना प्रेक्षित करने के संबंध में, और ये भेजा गया है मुख्य अभियंता वितरण मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, नोएडा, अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्यशाला मंडल मेरठ। और एक चीज़ और लिखी हुई है, वो है महत्वपूर्ण, यानी ये जो लेटर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा है, चलिए आपको पढ़ करके बताते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में देखिए, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कृपया उपरोक्त विषय मुख्य अभियंता हाइडल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पत्र संख्या 1501/anu02/mua-hydel2019 दिनांक 31 अगस्त 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कॉर्पोरेशन मुख्यालय द्वारा दिनांक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार टेक्नीशियन विद्युत की सीधी भर्ती के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी ये जो लेटर है इसमें जो मुख्य रूप से जो कहा गया है वो जो 30 जून 2019 तक की टेक्नीशियन विद्युत की सीधी भर्ती के लिए जो डिटेल्स मांगी गई थी उसी से रिलेटेड ये लेटर है। पहला जो पैराग्राफ है वो यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। वो ये है कि उक्त के संबंध में ये भी अवगत कराया गया है कि कॉर्पोरेशन के आदेश संख्या - दिनांक 28 अगस्त 2019 द्वारा शासनादेशों में उल्लेखित व्यवस्थानुसार UPBCL की सेवाओं में सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण अनुमान्यता सुनिश्चित कराए जाने का आदेशित किया गया है।
तो ये जैसा कि आप लोग को पता है कि इससे पहले UPBCL की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें 10% EWS कोटा को मंजूरी दी गई थी। तो ये उसी की ओर एक इशारा है जो कि कह रहा है कि UPBCL में अब जो भी भर्ती होगी उसमें 10% जो कोटा है उसको भी दिया जाएगा, और जो वैकेंसीज़ जो इससे पहले की यानी 30 जून 2019 तक की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें भी इस कोटे को शामिल किया जाएगा। अब उसके आगे पढ़ते हैं, इस संबंध में कॉपरेशन के अंतर्गत टेक्नीशियन विद्युत के दिनांक 30/6/2019 तक की स्थिति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण तत्काल इस कार्यालय के सूचाधीन कॉरपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो मेनली आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है वो ये है कि जो टेक्नीशियन विद्युत की जो वैकेंसीज़ हैं जो 30 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जिसकी डिटेल्स मांगी गई थी, आप लोगों को बताया गया था कि सभी डिस्कॉम से जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं और सबसे डिटेल्स मंगाई गई थी। तो वो डिटेल्स आ तो गई थी लेकिन ये जो डिटेल्स हैं इसमें 10% EWS कोटा के आधार पर ये डिटेल्स नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से ये दोबारा से उन लोगों को कहा गया है कि आप श्रेणीवार विवरण दीजिए और मुख्यालय कॉरपोरेशन यानी UPBCL के जो मुख्यालय है वहाँ तक इसको पहुँचाने का कष्ट करें। श्रेणीवार विवरण यानी EWS कोटा लगाने के बाद कितनी सीटें जनरल की हैं, कितनी सीटें EWS की हैं, कितनी OBC की हैं, कितनी SC की हैं, कितनी ST की हैं, और कितनी अलग अलग श्रेणियों में जो भी सीटें हैं वो आप श्रेणीवार विवरण जो कॉरपोरेशन है उसको जो जल्द से जल्द इसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये जो डेट लिखी हुई है, डेट है आपकी 26 सितंबर 2019, यानी कि अभी कुछ ही दिन हुआ है ये लेटर जारी हुए, और इसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियंता हाइडल लखनऊ और समस्त अधीक्षण अभियंता मेरठ डिस्कॉम, समस्त अधिशासी अभियंता मेरठ डिस्कॉम को जारी की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि UPBCL ने अपने डिस्कॉम से अलग अलग डिस्कॉम से डिटेल्स मांगी हैं कि आपके यहाँ कितने सीटें खाली हैं, और 30 जून 2019 के आधार पर ही विवरण मांगा गया है। तो इस लेटर में जो मेन बात जो लिखी हुई थी वो ये थी कि जितनी भी डिस्कॉम से जानकारी आई थी वो EWS कोटे के बिना आई थी, यानी उसमें 10% EWS कोटा नहीं लिखा हुआ था। तो अभी जो मेरठ डिस्कॉम है उससे कहा गया है कि आप EWS कोटे के अंतर्गत श्रेणीवार आप जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करें, यानी शक्ति भवन लखनऊ को जो कि इनका हेडक्वार्टर है UPBCL का वहाँ पर, और मुख्य अभियंता हाइडल के ऑफिस में ये डिटेल्स मांगी गई हैं। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस लेटर पे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है और जो आखिरी में जो टर्म यूज़ किया गया है वो तुरंत, यानी ये देख करके ये लग रहा है कि UPBCL को जल्दी है UPBCL में TG2 की वैकेंसीज को निकालने की और TG2 के पद को भरने की। तो आप में से जो छात्र भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा तैयारी करते रहें, और जो छात्र नकारात्मक हो रहे थे और कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी उनके लिए आंखें खोलने का समय है, वो लोग आंखें खोलें और तैयारी में लग जाएं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि UPBCL में TG2 की वैकेंसीज कब तक आएंगी, और आएगी तो कितने पद आएंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको और कोई राय देनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि UPBCL में वैकेंसीज आ गई हैं, और इंश्योर हो जाए कि तैयारी करना है और तैयारी में लग जाएं। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।